Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Bless your name. Hallelujah. Hallelujah. Bless your name, Jesus. Bless your name, King of Glory. Hallelujah. Bless your name, King of Glory. Hallelujah. Bless your holy name. Bless your holy name. Hallelujah. Bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name. Thank you, Jesus of Nazareth. Praise the name of the Lord. Sabko jai Masih ki. Hallelujah. मैं एक छोटा सा संदेश आपके साथ बांटना चाहता हूं. जस्ट अ ब्रीफ मेडिटेशन. आइए प्रार्थना करें. हालेलुया. लॉर्ड आई गिव यू प्रेज. लॉर्ड आई गिव यू ग्लोरी. लॉर्ड आई गिव यू ऑनर. आई एग्जॉल यू लॉर्ड गॉड. आई मैग्निफाई योर होली नेम. ब्लेसेड किंग ऑफ ग्लोरी. ब्लेसेड किंग ऑफ ग्लोरी. हालेलुया. Blessed King of Glory, Blessed King of Glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. Bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we come into your holy presence through the precious blood. Lord, we give glory to the blood. We ascribe strength and power and majesty to the precious blood of the Lamb. Thank you for buying us back from the hands of the enemy. Thank you for redeeming us with a glorious price, not with silver and gold, such corruptible substances, but thank you for, Lord, liberating us from the hands of the enemy with your own precious blood. Hallelujah. Thank you, Lord, that we are the bought of your blood. We are now blood related to you. Hallelujah. खुदावंद तेरे वचन की गहरी बातों को हमारे ऊपर खोलना. Hallelujah. यीशु मसीह के जलाली नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं. आमीन. Hallelujah. मैं एक छोटा सा संदेश आपको दूंगा. मे बी जस्ट यू नो 10-15-20 minutes. और मैं चाहता हूं कि आप लिविटिकस निकालिए. टर्न टू लिविटिकस. लिविटिकस चैप्टर नंबर 17. लेवी व्यवस्था के 17 अध्याय को निकालिए. लेवी व्यवस्था लिविटिकस 17 चैप्टर. लेवी व्यवस्था 17 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ता हूं. हालेलुया. 11 वचन से. लेविवस्था 17:11 से. फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट टू यू अपॉन द ऑल्टर टू मेक एन अटोनमेंट फॉर योर सोल्स. फॉर इट इज द ब्लड दैट मेकेथ एन अटोनमेंट फॉर द सोल. हालेलुया. मैं पढ़ता हूं आपके लिए ये ओरिजिनल टेक्स्ट. सबसे पहला वर्ड है नफिश. नफिश बसार या बसोरा. नफेश बसार दाम. नथन मिसबाक कफार नफेश दाम. कफार नफेश. बहुत यूनिक वर्स है हिब्रू में. ये यहां पे लिखा है कि फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड. जो ये शरीर है इसका जीवन खून में है. लाइफ ऑफ द फ्लैश. फ्लैश मीट. जो मीट है ये इसका जीवन ब्लड में है. और इसके लिए हिब्रू वर्ड है बसार या बसोरा. आपको मालूम हिब्रू में जैसे 400 समाचार हैं. मत्ती मरकुस लूका यूहन्ना. हम बोलते हैं मत्ती रचित सुसमाचार. लूका रचित सुसमाचार. मरकुस रचित सुसमाचार. यूहन्ना रचित सुसमाचार. आपको मालूम इन्हें हिब्रू में क्या कहते हैं. मती रचित सुसमाचार को हिब्रू में कहते हैं बसोरा हा मतीताहू. बसोरा मीट. ये फ्लैश मांस. मती रचित मांस यीशु मसीह का. सुसमाचार को
गॉस्पल को हिब्रू में कहते हैं मीट, मांस, यीशु मसीह का मांस, बसोरा, बसार, हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा है, यहां पे लिखा है 11 वचन में, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड। क्या हिब्रू वर्ड है? हिब्रू वर्ड है नफेश बसार दामा। मैंने आपको बताया दलित मैम से बनता दाम, दामा, जिसका मतलब होता है खून, और खून के आगे अगर अलफ लग जाए तो बन जाता एडम, अलफ दालत मैम, हालेलुया। अलफ परमेश्वर है, खुदा है, ऑक्स है, हेड है, सृष्टा है, हालेलुया। और दालत और मैम से बन जाता दामा, ब्लड, हालेलुया। अलफ दालत मैम क्या बन जाता है? एडम, मतलब वो खुदा से कनेक्ट है लेकिन उसके अंदर ब्लड है, हालेलुया। पहले आदम के अंदर जो ब्लड है वो जमीनी ब्लड है, क्योंकि उसे जिस मिट्टी से लिया गया, सॉयल से लिया गया है, उसका कलर रेड है। एडम का ओरिजिनल मीनिंग है सन ऑफ द रेड सॉयल। लेकिन जो आखिरी आदम है, आप अक्सर सुनते हैं, लोग कहते हैं यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, यीशु मसीह 100% मनुष्य है, यीशु मसीह 100% परमेश्वर है, लेकिन यीशु मसीह 100% मनुष्य आपके और मेरे जैसा नहीं है। बाइबल में लिखा है द फर्स्ट मैन वॉज फ्रॉम द अर्थ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 50 वचन से आगे पढ़िए, प्रेरित पौलुस लिखता है पहला आदम मिट्टी से था, ही वॉज मॉर्टल, वो नाशवान था, बट द लास्ट एडम इज द लॉर्ड फ्रॉम हेवन, आखिरी आदम स्वर्ग से आया, स्वामी है सृष्टि का। उसके अंदर जो दामा है, ब्लड है, ही इज ऑल्सो एडम, अलफ दलित मैम, लेकिन उसके अंदर जो ब्लड है, प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 28 वचन में लिखा है वो ब्लड यहोवा पिता का है, वो ब्लड पवित्र आत्मा ने पैदा किया मरियम की कोख में। आपको मालूम बालक जब मां की कोख में आता है तो वो ब्लड ग्रुप फैक्टर मां से नहीं लेता, मां की कोख में प्लेसेंटा होता है जो मां के खून को बच्चे के शरीर में जाने से रोकता है, तो बच्चा ब्लड, ब्लड जो होता है अपने बाप से लेता है। यीशु मसीह के अंदर यहोवा का ब्लड है, प्रेरितों के काम 20 का 28 पढ़िए, यीशु मसीह की कलीसिया यहोवा के ब्लड से खरीदी गई है। इसलिए मत्ती 1:18 में लिखा है शी वॉज फाउंड विद द चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट, मरियम पवित्र आत्मा, मरियम की कोख में पवित्र आत्मा का पुत्र था, शी वॉज फाउंड। यीशु मसीह माँ की गर्भ में, यीशु मसीह उस प्रोसेस से नहीं गुजरा जिससे आप और हम गुजरते हैं, हमारे पिता के स्पर्म हमारी माता के एग से मिलते हैं, फिर एक ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कतुबा होता है, फिर वो रेप्लीकेट करता है, जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे हार्ट बन जाता है, फिर डीएनए आरएनए फॉर्म होता है और एम्ब्रियो और एम्ब्रियोनिक स्टेज से गुजरता है, फिर फीटस बनता है, फिर बच्चे की शेप बनने लगती है। यीशु मसीह इस प्रोसेस से नहीं गुजरा क्योंकि यीशु मसीह की देह की रचना में मनुष्य का हाथ नहीं, यीशु मसीह की देह पवित्र आत्मा के द्वारा रची गई, यीशु मसीह की देह पारलौकिक देह है। इसलिए यीशु मसीह का शरीर भाई और बहनों अखमीरी रोटी है, वो रोटी है अखमीरी रोटी जिसके अंदर पाप का खमीर नहीं है। तो क्या लिखा है यहां पे, सुनिए मैं आपको कुछ वचन देता हूं, बहुत अद्भुत ये वचन है जो मैं आपको दे रहा हूं, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट टू यू। अब सुने यहां पे लिखा है नफेश बसार दामा, बसोरा का मतलब, बसोरा का मतलब होता है सुसमाचार, मत्ती रचित, योना रचित, मरकुस रचित, लुका रचित, बसोरा हा मालखुता, स्वर्ग के राज्य का सुसमाचार, उसे हिब्रू में बोलते बसोरा हा मालखुता, मीट, मत्ती रचित यीशु मसीह का मीट, स्वर्ग के राज्य का मीट, हालेलुया। तो ये एक रोटी की तरह यहोवा ने दिया है, हालेलुया। क्या कहता है, नफेश बसार दामा नेथन। अब ये जो हिब्रू वर्ड है नेथन, यहां पे दो वर्ड आपको मिलेंगे अगर आप ओरिजिनल टेक्स्ट देखेंगे, H5414 वर्ड है ये, यहां पे लिखा है, यहां पे लिखा है 11 वचन में आई हैव गिवन इट टू यू अपॉन द ऑल्टर, मैंने ये तुम्हें जगवेदी पे दिया है, आई हैव गिवन इट टू यू ऑन द ऑल्टर, बट द ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है आई एंड ही
have given it to the on the altar. I and he, कौन है ये I? पहला I है यहोवा पिता, and he जो है वो है यहोवा यीशु मसीह. पुराने नियम में दो यहोवा हैं, यहोवा पिता है और यहोवा पुत्र है. हालेलुया. ओरिजिनल टेक्स्ट अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा I and he have given it upon the altar, जगवेदी पे दिया ये, to make atonement for your soul, तुम्हारी जानों की अटोनमेंट के लिए. हालेलुया. ये बकरों छत्रों मेमनों के लहू की बात हो रही है, लेकिन आपके और मेरे लिए बहाया गया है अद्भुत पार लौकिक खून, जो पूरे ब्रह्मांड से कहीं कीमती है. उस खून की एक बूंद पूरी दुनिया को मोक्ष दे सकती है. पूरा ब्रह्मांड, मानव जाति पूरी आदम से लेकर अब तक, जितनी कौमें पृथ्वी पे पैदा हुई, जितने राष्ट्र, जितने कुल, जितने गोत्र, जितनी भाषा बोलने वाले लोग पैदा हुए, जितने धर्म, जितनी संस्कृति, जितनी सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, एक ड्रॉप उसके खून का पूरी मानव जाति को रिडीम कर सकता है. आई एंड ही, वचन में लिखा है, ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है आई एंड ही, यहोवा कहता है आई एंड ही, यहोशा हमशियाक हैव गिवन इट ऑन द ऑल्टर, जगवेदी पे दिया है. किसके लिए? फॉर योर सिंस. हालेलुया. लाइक अ ज़िबाक ऑफरिंग, ये है ज़िबाक अपॉन द ऑल्टर के लिए. हिब्रू वर्ड है 4196, मिसबाक या ज़िबाक, जहां से हमारा वर्ड निकलता है ज़िबा करना, काटना और ब्लड बहाना. आपको मालूम बाइबल में एक वर्ड है ज़िबाक कुर्बानी के लिए, दूसरा वर्ड है मिनका. मिनका आपको मालूम बाइबल में ये नहीं कहीं भी लिखा, जैसे कि अक्सर लोग कहते हैं आइए हम परमेश्वर को दान देंगे. आप परमेश्वर को दान नहीं दे सकते, आप यीशु मसीह को दान नहीं दे सकते. हालेलुया. हिब्रू वर्ड जो है वो है मिनका. मिनका का मतलब है ऑफरिंग. हालेलुया. किसी भी तरह की ऑफरिंग, गिफ्ट जो हम परमेश्वर को देते हैं. ओल्ड टेस्टामेंट में सबसे ज्यादा वर्ड यूज हुआ है मिनका, ऑफरिंग के लिए. कहीं भी ये दान नहीं है. देखिए, आप किसी अनाथालय में जाएं, वहां पे बॉक्स पड़े होते हैं, उनके ऊपर लिखा होता है दान पात्र. आप कई जगह चर्च में जाते हैं, वहां पे भी बॉक्स पड़े होते हैं, उन पे भी लिखा होता है दान पात्र. यहोवा को आप दान नहीं दे सकते. आपको मालूम आप दान किसे देते हैं? आप दान उसे देते हैं जिसकी हैसियत आपसे कम होती है. यहोवा को, यीशु मसीह को दान देने के लिए आपको यीशु मसीह से ज्यादा अमीर होना पड़ेगा. इसलिए हिब्रू वर्ड है मिनका, जिसका मतलब है गिफ्ट देना, तोहफे देना. हालेलुया. तो यह जगवेदी पे ऑफरिंग के लिए दिया गया है. मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक छोटा सा संदेश दूंगा. यीशु मसीह का सबसे पहले ब्लड बहाया गया जब यीशु मसीह का खतना किया गया. यीशु मसीह को 7वें दिन सरकमसाइज किया गया. 7 डेज कंप्लीट हुए, यीशु मसीह को सरकमसाइज किया गया, उसकी फोरस्किन को सरकमसाइज किया गया और ब्लड निकाला गया. उसने डोरवे खोला हेवन के लिए, कॉन्सिक्रेट किया आपकी प्रोजनी को, हमारी जो जनरेशन पैदा होती है उसके गेटवे को यीशु मसीह ने सेंक्टिफाई कर दिया अपने ब्लड से. फिर यीशु मसीह के सर पे कांटों का ताज रखा गया. आपको मालूम वो सचमुच में राजा है. वो तो मौकरी कर रहे थे उसकी, रोमन सिपाही, फरीसी, सदूकी, याजक, महायाजक और पासरबाय जो उसके ऊपर सर हला हला के हंस रहे थे, ठट्ठों में उड़ा रहे थे उसको, वो तो उसकी मौकरी कर रहे थे. लेकिन आपको मालूम वो सचमुच का राजा है जो क्रूस पे चढ़ा है, उसके सर पे कांटों का ताज है. ये जगत उसे सहरा नहीं दे सकता, ताज नहीं दे सकता, क्योंकि उसका ताज उसके पिता की ओर से है. आपको मालूम यीशु मसीह कैसा राजा है? यीशु मसीह ऐसा अद्भुत राजा है जिसका राज्याभिषेक मनुष्यों ने नहीं किया. ऐसा राजा जो अपने जन्म लेने से पहले ही राजा है. बिफोर ही इज बॉर्न इन टू दिस वर्ल्ड ही इज किंग. इसलिए वो बुद्धिमान लोग पूछते हैं, ही दैट इज बॉर्न द किंग ऑफ द ज्यूज, वेयर इज ही? जो यहूदियों का राजा पैदा हुआ है वो कहां है? सब राजा बनाए गए पृथ्वी पे, राजा तिलक करके, राजा अभिषेक करके. यीशु मसीह अनादिकाल से राजा है. भाई और बहनों, आपके दिल के सिंहासन पे केवल वही राज्य कर सकता है.
पृथ्वी पे डेमोक्रेसी हो, पृथ्वी पे थियोक्रेसी हो, पृथ्वी पे कम्युनिज्म हो, पृथ्वी पे रिपब्लिकन रिजीम हो, पृथ्वी पे डिक्टेटरशिप हो, लेकिन आपके जीवन का राजा है यीशु मसीह। मनुष्य बनाया गया है ताकि मनुष्य के ऊपर केवल यहोवा राज्य करे। इसलिए आप देख रहे हैं दुनिया की जितनी किंगडम्स हैं, डेमोक्रेसी हो, रिपब्लिक रिजीम हो, सोशलिज्म हो, कम्युनिज्म हो, डिक्टेटरशिप हो, दुनिया के राज्य चरमरा के गिर रहे हैं। मनुष्य मनुष्य के ऊपर राज नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा। मनुष्य का मनुष्य के ऊपर राज्य समाप्त होने वाला है। अब राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु आ रहा राज्य करने के लिए। इसके सर पे मुकुट रखा गया और यहां से ब्लड ड्रिप किया। आपको मालूम उसके ब्लड ड्रिप किया, उसकी आंख में पड़ा होगा। वो ऐसे करना चाहता है लेकिन कर नहीं पाया क्योंकि उसके हाथ बंधे हुए थे। हालेलुया। क्राउन से यहां से, ताकि भाई और बहनों उसने ब्लड अटोनमेंट दी। हमारा ये जो माइंड है ना यहाँ पे, हमारे अंदर मसीह का माइंड हो, हम परमेश्वर की तरह सोचे, ये हमारी सोचे हों, ये जीवित करना हम संसार की तरह ना सोचे हम। इसलिए उसने सर से लहू बहाया, यहाँ से खून बहाया, उसके राइट यहाँ पे हैंड में नेल लगाई गई, राइट हैंड से। ये है हमारे इंटेंशनल सिन, जो हम जानबूझ के पाप करते हैं, हमारे हाथ के पाप, राइट हैंड के पाप, उनको धोने के लिए उसने लहू बहाया। फिर उसके लेफ्ट हैंड में नेल पियस की गई, जो हमारे लिखा ना, मेरे खब्बे हाथ दी चलाकी, वचन में लिखा है, लेफ्ट हैंड की चतुराई कडिगनेस को, उसको तोड़ने के लिए उसके बंधन को यीशु मसीह ने यहां से खून बहाया। फिर भाला उसकी पसली में मारा गया। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने आदम की पसली निकाल के दुल्हन तैयार की। इस आखिरी आदम की भी पसली में से लाड़ी तैयार की गई है, दुल्हन तैयार की गई है। उस पसली जब भाला मारा तो खून और पानी निकला। हालेलुया। द ब्लड एंड द वॉटर एंड द होली स्पिरिट, ये तीन विटनेस है हेवन में, पृथ्वी पे, ब्लड एंड द वॉटर एंड द होली स्पिरिट। हालेलुया। योन्ना की पत्री में पढ़ के देखिए, तो खून और पानी बह निकला, दुल्हन तैयार की उसने अपनी साइड में से। आपको मालूम, बहुत से लोग विद्वान मानते हैं कि फेफड़ों को चीर के वो भाला उसके दिल के आर पार हुआ। जीसस वॉज अ ब्रोकन हार्टेड पर्सन। हालेलुया। और उसने हमारे हार्ट के, दिल के गुनाहों को धो डाला। हालेलुया। उसका जो राइट फुट है, ये वाला राइट हैंड वाला, राइट साइड वाला फुट है, जो हमारी इंटेंशनल वॉक इन रिबेलियन, हम बलवा करते हैं परमेश्वर के खिलाफ, बलवे में चलते हैं, उस पाप को उसने तोड़ा हमारे राइट फुट के। लेफ्ट फुट से उसने हमारा नेग्लिजेंट वॉक जो है, नेग्लिजेंटली चलते हैं प्रभु के संग, प्रभु के डर में नहीं चलते हम, 24/7 परमेश्वर के डर में बने नहीं रहते, उस लानत को यीशु मसीह ने तोड़ा। हालेलुया। हालेलुया। यहां लिखा है ही एंड आई। हालेलुया। क्या लिखा है यहां पे, मैं ज्यादा लंबा वचन नहीं करना चाहता, मैं इस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू करूंगा। मैं 11th वचन फिर पढ़ता हूं, फॉर द लाइफ ऑफ द फ्लैश इज इन द ब्लड एंड आई हैव गिवन इट टू यू, आई एंड ही, हिब्रू टेक्स्ट में लिखा है, आई एंड ही हैव गिवन इट अनटू यू, गॉड द फादर, यहुआ द फादर एंड यहुआ द सन, दे हैव गिवन इट अपॉन द ऑल्टर टू मेक एन अटोनमेंट फॉर योर सोल्स, फॉर इट इज द ब्लड दैट मेक्स एन अटोनमेंट फॉर द सोल। नफेश बसार, नफेश बसार दामा, नथिन मिसबाह कफार नफेश दाम, कफार नफेश, फिर इसके ऊपर हम मनन करेंगे, कफारा क्या है ये, कफारा, नफेश हमारी सोल, उसके लिए कफार, कफारा, किफरोत। मैंने आपको कई बार बताया ये, मैं फिर बताता हूँ आपको, ये जो आर्क ऑफ द कवनेंट है, ये इसका जो ऊपरला हिस्सा ये होता है, इसे किफरोत कहते हैं, यहाँ पे ब्लड पोर किया जाता है, और ऐसे इसका जो ढक्कन है, बेत शिमेश के लोगों ने इसका ढक्कन उठाने की गलती की थी, 5,070 लोग मारे गए थे, सॉरी 50,070, 50,070 लोग मारे गए क्योंकि उन्होंने इसको उठा के इसके अंदर ऐसे झांका। इसके बीच में हारून की छड़
और परमेश्वर के अहद की दो तख्तियां हैं. द लॉ वॉज इन साइड एंड द एरन्स रॉड दैट बडेड. यू कैनॉट लुक एट द लॉ ऑफ द लॉर्ड विदाउट द ब्लड. If you dare to approach the law of the Lord without the blood of Yahusha HaMashiach, it will be very, very detrimental. It could be fatal. It could bring death. ये मृत्यु ला सकता है. इसलिए ये कफार जो है, यीशु मसीह का ब्लड आपका और मेरा कफारा है. हालेलुया. और आपको मालूम, जब परमेश्वर ने नूह को कश्ती बनाने के लिए कहा और नूह ने 120 साल में कश्ती तैयार की, एक आर्क बनाई बहुत बड़ी, मुकम्मल होगी जब आर्क, तो प्रभु ने क्या कहा नूह को, इसको पिच कर, हिंदी में लिखा राल लगा, रेड कलर का एक लिक्विड लगाया पेंट की तरह, बाहर से भी पेंट कर दी आर्क, अंदर से भी पेंट कर दी आर्क. वो रेड कलर का अलग अलग प्लांट में से निकलने वाली रेजेंस को मिला के बनाया गया एक लिक्विड था. आपको मालूम उसका हिब्रू नेम क्या है, कफार. नूह ने कश्ती को बाहर से भी कफारा किया, अंदर से भी कफारा किया, इसलिए वो कश्ती जल प्रलय से पार हुई. ये जो आपकी और मेरी कश्ती है, इसे यीशु मसीह के लहू में कफार होना है, कफारा होना है. ये कफारा यहोवा ने और यीशु मसीह ने दिया, दोनों का नाम है. यहां पे लेविटिकस 17:11 ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़े, यहां पे लिखा है ही यहोवा पिता एंड आए, ही जीसस एंड आए यहोवा पिता, हमने दिया ये कफारा. वो है आपका और मेरा कफारा. अंदर से भी हम रंग दिए जाएं, बाहर से भी रंग दिए जाएं, यीशु मसीह के खून के कफारे में. हालेलुया. आइए दुआ करें. दिया जीने को रंग, रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग, चौपान बनावो एक अजब खुशी अनोखा नशा, दिल जान बनावो संग लिया अंग संग लिया, संग लिया अंग संग लिया, यीशु ने दिया अपना जहन, दिया अपना मसा, मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, यीशु ने दिया अपना जहन, दिया अपना मसा, मोहे अपना रूप दिया, रंग लिया मोहे रंग लिया. दिया जीने को रंग, रंग रंग, रूहे पाक किया संग संग संग, चौपान बनावो एक अजब खुशी अनोखा मसा, दिल जान बनावो वो संग लिया अंग संग लिया, यीशु ने दिया अपना जहन, दिया अपना मसा, मोहे अपना रूप दिया. आइए मिलके दुआ करें. अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप भेज सकते हैं. बहुत सारे लोगों की मैं रिट्रीव नहीं कर पा रहा हूं प्रेयर रिक्वेस्ट. हेवनली फादर, आई कम बिफोर योर सेक्रेड प्लेस. फादर फादर आई प्लीड योर ब्लड ओवर योर पीपल. लॉर्ड आई प्रे दैट द ब्लड दैट यू गेव टू बी पोर्ड आउट अपॉन योर आल्टर, द ब्लड ऑफ ज़बाख, Lord, that precious kafar, the precious blood of the lamb, I sprinkle over Brother Lalit's mother. May you heal her with that blood. I agree with Brother Lalit for his mother's healing, Father. I pray for Rakesh Grover. And I pray for Mamta Sabarwal Grover. And I pray for Harshit. Lord, I pray that you
open financial doors for this family. Lord, open doors, financial doors in the name of Jesus of Nazareth. Father, I pray in Jesus' mighty name. Hallelujah. Lord, I pray for Darshan Singh's family to grow spiritually in the Lord. I pray for Gulshan Singh. I pray for Chandar Mohan, Lord. Bahadur Singh Akash. Lord, I pray for Surinder Kaur. Lord, I pray for Anusud that you bless her and anoint her in a very special way. I pray for Sunita Kaur, Lord, for your divine healing to flow in her body and soul. Lord, cover Jaswant Singh in your blood. I bless Brother Ravi Prakash Gupta. Cover him under your blood. I pray for Geeta, Lord. I pray for Prahlad, Sujal, their son, Lord God. In the name of Jesus, I bless Manjeet Singh. Lord, let your hand be upon Manjeet Singh. Bless Rosie Singh, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you. Thank you, Jesus of Nazareth. Lord, I pray for Pushpa Rani. I plead your blood over Pushpa Rani. I pray for Surinder Kaur's family, Sunita Kaur's family from Britain, Lord. I cover them under the blood of the Lamb. Lord, I pray for divine healing to flow in Mr. Krishan Kumar's body in the name of Jesus. Let divine healing flow. Lord, bless Meenu Sood, Lord God. Cover Meenu Sood under your blood. Bless Pastor Charanjit Singh, Jesus. Thank you, Lord. Lord, bless Rosie Singh. Let your hand be upon Komal Masi and her husband and her children. And I pray for Ratan Prakash from Delhi, Lord. Pray for Bhagwat Prashad, Lord, that your hand be upon him in the name of Jesus. Anita Rani, Lord, that you would visit and bless, Lord God, that your hand will be upon her in the name of Jesus. I pray for Gurdeep Singh from Dagan, Lord, that you bless him. I pray for Pastor Isaac Malik from Delhi, that your hand be upon him and upon the work that he does for your kingdom. Hallelujah. Lord, I pray for Vijay Kumar, for your hand. Lord, I pray for Brother Mahesh Kumar, Lord God. Bless him, Lord. He sponsored my air tickets for Delhi's meeting. That you reward that man, Lord God. I pray for Brother Amia. Lord, that your hand will be upon Brother Amia, who's looking after my lodging in the hotel, etc. Lord, bless him, I pray, in the name of Jesus. Bless Brother Lalit, who is putting up everything together. I pray for Brother Raman Khan and Reena Khan and their family. Lord, that you would bless them for their labor of love. Lord, I pray for Tanuja Seth and their family. Lord, I cover all her family, her household under the blood. I pray for Satnam Singh, Lord God, that you will deliver Satnam Singh from addiction, Lord God. Deliver Satnam Singh. Lord, I pray for Taljinder Kaur in Jalandhar, that you will heal her, Lord. And I pray for Ruby Sanghera, for your mighty hand to be upon her. Lord, I pray for Suresh Kumar. I pray for Meena Kumari, your daughter. I pray for their son, Lord. I pray that you bless them. They love you, Lord God. I pray, Lord, the breakthrough that Meena Kumari desires in her life, Lord, that you will release that breakthrough into her life. I cover her household under the precious blood of the Lord Jesus of Nazareth. Lord Jesus, would you kindly bless Vinod Christian from Canada, Vinodini Christian from Canada. Would you surround them with the songs of joy, Lord God. May your hand be upon them. I pray for Bobby Art, Lord, that you bless Bobby Art. That your hand be upon Bobby Art. That your anointing rest upon him. I pray for Sunita Guria Kanswar. Lord, she teaches your word. She shares your word with many people, that you will use her, Lord God. Hallelujah. Equip her, Lord, to touch many, many lives. Bless Angela Droch. Let your hand be upon Angela Droch, Lord Jesus. Lord, I pray for Shanti Masi Thapa, and I pray for Mangal Thapa, for their daughter Khushi, for their household. Lord, that you prepare them, equip them for the ministry, Lord, that you are showing me that will take place. Massive work that will take place in Nepal, Lord God. Lord, I pray for Reema Shamim from Pakistan. Lord, bless her. Bless our siblings that live in England and in the United States. And I pray for her mother, Lord. And I pray, Lord, that she will be able to meet her mother. You will open doors for her. Thank you, Jesus. Tera dhanyavad, Khudavan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lord, bless Brother Chandar, Pastor Chandar. Lord, let your hand be over Chandar Mohan. I pray. Lord, I bless Brother Mahesh Kumar. He's right here. Lord, I bless him in Jesus' name. I pray, Lord, that Brother Mahesh Kumar will see the reward of the seed that he planted for my air tickets to Delhi back and forth. Bless Brother Jaswant Singh, Lord.
I pray for Daljeet Singh that your hand be upon him, Lord God. Hallelujah. Thank you, Jesus. We give you praise. Hallelujah. Tere naaton hai hayati, khoon tere to khalasi, tera rutba sab to aala, e kende jaiye. Tere naaton shana waleya wali jaiye, tere naaton shana waleya wali jaiye. Tera parchar karange, tethon jeevange marange. Tera parchar karange, tera parchar karange, tethon jeevange marange. अपनी सोली नू उठा के तुर दे जाइए, तेरे नातों शन वालिया वरी जाइए। फादर ब्लेस ईच एंड एवरी वन दैट पार्टिसिपेटेड इन दिस टेलीकास्ट. Let your word be inscribed upon the tablets of their heart with the ink horn, Lord, that the angel of heaven holds in his hand. You said you will write your oracles right on the tablets of our heart. You will do this writing, Lord. So, Lord, we present our hearts. May you continue to write your oracles, your statutes, your decrees, your mitzvahs, your commandments, Lord, upon the tablets of our heart. Let your light continue to grow exceedingly more and more on the inside of us, Lord God, that we walk on your path. Hallelujah. Tere lahu ki kudrat ko main kholta hu khudaavand. Main Sabi Surjeet ke liye prarthna karta hu, uske spouse ke liye, uske future ke liye prarthna karta hu, tera khoon chhidakta hu. Khudaavand ek ek ko bless kare. Yeshu Masih tere jalali naam mein is prarthna ko main mangta hu. Amen. Sabko jai Masih ki. Tomorrow early morning I will see you and we will have early morning prayer session. Please get up early and join me. Khudavand aapko barkat de. Aap sabko jai Masih ki. Sister Anju Masih, glad to see you. The Lord bless you. I'm seeing you after so many days, but unfortunately, you logged on towards the end of this telecast. The Lord bless you, and we will see each other tomorrow morning. Hallelujah. Jesus is awesome. Amen.